श्री सूर्य प्रताप शर्मा यूपी लखनऊ से हैं ये। मैं पैरा आर्म रेसलर हूँ जो प्रोफेशनल, जो पूरे विश्व में 85 कंट्रीज खेलती हैं, और मैं 2017 में इसमें वर्ल्ड कप जीता हूँ और 2019 में नेशनल अमेरिका के लिए क्वालिफाई किया हूँ। और उसके बाद क्या नाम है, ये बेस्ट खिलाड़ी का जो राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड होता है उसके लिए ये अवार्ड हमको मिला है, जो राष्ट्रपति जी के हाथों से मिला है। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला एक शहर है, उसमें एक छोटा सा गांव है विलेज मुराडी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन पढ़ाई और स्पोर्ट एक्टिविटी सारे चीज लखनऊ से स्टार्ट किया हूँ। संघर्ष से लड़ने की जो कैपेसिटी है दिव्यांगों के पास बहुत ज़्यादा होती है, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बस उसको जगाना होता है, उस लक्ष्य को लक्ष्य एक बनाना होता है जिसके करीब जाकर एक नई मतलब देश के लिए आवाज़, नई बुलंदी बनाकर और देश के लिए प्रेरणा बनने की कोशिश है। मैं इस पर छोटा था तब पहले तो हमको मालूम ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हूँ, हमको लगता था जीवन ऐसा ही है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि जब थोड़ा सा क्या नाम समय गुजरा और आगे जब बढ़ने की कोशिश किया, देखा कि ये तो ऐसी बीमारी से मैं ग्रस्त हूँ कि समाज में मैं 2 मिनट का मतलब चल ही नहीं पाऊँगा। तो ये चीज़ मैं टूटने लगा, लेकिन हमारे फैमिली हमको सपोर्ट किया और उस इन्वायरमेंट को घर ही में क्रिएट कर समाज से लड़ने के योग्य बनाकर इस समाज में भेजा। मैं ऐसा देखता था तो लगता था कि इस समाज के लिए मैं बना ही नहीं, मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। और इस और एक चीज़ और, इस समाज में थोड़ा सा पहले थोड़ी मानसिकता थी कि दिव्यांगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ये अपशगुन भी माने जाते हैं, इनके बीच में नहीं जाना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा मन में ये रहता था कि क्या नाम है, हम लोग का जीवन नहीं है, हम लोग बस ऐसे एक सामाजिक तौर पे मानिए तो अनयूज, जो किसी काम का नहीं आते उस व्यक्ति में कैटेगरी में हम लोग को क्या नाम है समझते थे लोग, और हमें वही महसूस करते थे। लेकिन उसी में अपने मनोबल मनोदशा को बदल कर समाज जोड़ने का काम किया गया। अभी तक क्या नाम है 2014 से जब मैं गेम स्टार्ट किया था ये पैरा आर्म रेसलिंग, उसमें हमको प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान, स्पोर्ट ऑफ पर्सनालिटी का अवार्ड, और अभी नेशनल अवार्ड आपके सामने 3 दिसंबर को मिला, और भी बहुत सारे अचीवमेंट हैं जो इस गेम के थ्रू और समाज से जुड़ने का एक नया जरिया मिला और इससे मैं जुड़ा। आगे मैं एक चीज़ और मलाल है कि हमारे समाज में दिव्यांग जो जन है उनका एक रिप्रेजेंट करने के लिए सरकार में कोई नहीं है, तो उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। मैं ये मैसेज दूंगा कि अब वो समाज नहीं रहा जो पहले की समाज जो इस तरह हीन भावना सोचती थी, समाज में परिवर्तन हुआ है, दिव्यांगों के प्रति समाज का सोच अच्छा हुआ है। और मैं उन दिव्यांग भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि समाज से अब डरने के नहीं लड़ने का समय आ गया है, और अपने अधिकार को सबके सामने हक से लेने का समय आ गया है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि दिव्यांग भाई बहन जो भी हैं इस समाज में आए और निडर होकर अपना जो भी योजना है, जो भी लक्ष्य है उसको पाने की कोशिश करें, सरकार उनके साथ है और हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग अपनी जो चीज़ अनुभव है उनके साथ साझा करेंगे, उनका मनोबल मजबूत करेंगे और उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। Subscribe to One India channel and never miss an update.